सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है जहां पर लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट आर पार्टनर। तो एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, दोनों पार्टनर है। कैपिटल लगा रखी है 30,000, 20,000। तो 30,000 ब्लैक ने लगाई हुई है और 20,000 किसने लगाई हुई है, व्हाइट ने लगाई हुई है। प्रॉफिट लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 लिखा है 27,100। मतलब हमारे को नेट प्रॉफिट दे दिया है, कितना दिया है 27,100। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज एग्रीड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज सच सेल बी अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को दे दिया है 5% पर एनम, 5% पर एनम ये हमारे को दे दिया है। देयर इज अ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप सैलरी। तो मतलब ना तो सैलरी के बारे में कोई बात बोली है, सैलरी के बारे में नहीं बोली है। तो कोई पार्टनर अगर सैलरी की डिमांड करेगा तो हम सैलरी नहीं देंगे, और अगर प्रॉफिट के बारे में भी आपने नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं। ब्लैक क्या कहते हैं, जी होल टाइम पार्टनर कहता है मैंने तो रंग काला कर लिया भाई दिन रात कंपनी फर्म के लिए काम करके। वेयर व्हाइट कहता है भाई मैं तो अटेंड भी नहीं करूंगा बिजनेस की जो एक्टिविटी है रेगुलरली। अब ब्लैक क्या कहता है, क्लेम करता है मेरे को 600 रुपये पर मंथ क्या दे दो, सैलरी दे दो, लेकिन हम नहीं देंगे क्योंकि हमने देखा कि डीड तो बना नहीं रखी, सैलरी के बारे में तो नहीं देंगे। कहता है 60% ऑफ प्रॉफिट बैलेंस, तो ये भी नहीं देंगे भाई, हम तो क्या देंगे, इक्वल इक्वल देंगे। व्हाइट कहता है मैंने एडवांस दिए हुए हैं 10,000 एज ए लोन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। व्हाइट कहता है मैंने क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। तो लोन की डीड में बता रखा है कुछ नहीं बता रखा है, लिखा है नाउ ये क्लेम करता है कि मेरे को 10% क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आप इन अकाउंट को कैसे सेटल करोगे, तो 10% इसने डिमांड की है लेकिन हम 10% थोड़ा ना दे देंगे, हम कितना देंगे 6% पर एनम देंगे जो कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमें क्या देना है इनका इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो लोन कितने का लिया था 10,000 का, कितने परसेंट से देना है 6/100 से, और ये कब लिया था लोन लिखा है कहीं, लोन व्हाइट एडवांस लोन कितना है 10,000 लोन एंड क्लोन क्लेम। तो लोन के बारे में ये लिखा कि लोन कब लिया था, तो हम पूरा एनुअली ट्रीट करेंगे इसका। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे सामने 600। तो 600 क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये किसके लिए बन जाएगा, अमाउंट के लिए, और ये किसके लिए बन जाएगा, अमाउंट के लिए, और ये किसके लिए, पर्टिकुलर्स के लिए, और ये भी किसके लिए बन जाएगा, पर्टिकुलर्स के लिए, और ये लाइन लगा दी हमने, ठीक है। अब क्या मिला हमारे को, प्रॉफिट मिला। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 27,100, लेकिन ये प्रॉफिट हमें पहले, सबसे पहले तो ये 600 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे ना। या तो आप इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, 600 रुपये माइनस करके दिखा दो। अगर आप इसमें से 27,100 में से माइनस कितना करते हो, 600 माइनस करते हो, तो हमारे पास बैलेंस बचता है 26,500। तो मतलब 26,500 हमारे पास बैलेंस बचता है। या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, वैसे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां क्या लिखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखोगे 27,100, और यहाँ क्या लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 600 रुपये। उसके बाद यहाँ टोटल करो कितना आ जाएगा 27,100, और ये भी टोटल करो कितना आ जाएगा 27,100, और यहाँ क्या आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 26,500, ठीक है। या तो ऐसे करो, या यहीं पर कितना लिखो, यहां पर लिखो आप 27,100, और इसमें से माइनस क्या कर दो, इंटरेस्ट माइनस कर दो जो लोन के ऊपर है, कितना है लोन के ऊपर, ये है 600 रुपये, और बाहर कितना लिख दो आप 26,500 बाहर लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देना है आपने,
एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्योंकि कितना डिफाइन किया गया है, 5% जो डिसाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें कैपिटल कितने लगा रखे है, 30,000, और इसने लगा रखे 20,000। 30,000 का अगर 10% निकाल लें तो कितना आएगा, 3,000। हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,500। और इसका कितना आ जाएगा, 1,000। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दोगे, बी को और डब्ल्यू को। बी को कितना मिलेगा, 150। अगर हम बात करें 1,500। अगर हम डब्ल्यू की बात करें, व्हाइट की बात करें, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 1,000। टोटल कितना हो जाएगा ये, 2,500। उसके बाद कितना बच गया आपका, जो बच गया उसके बाद ना तो आपने कोई सैलरी देनी ना अपने आगे कुछ कमीशन देना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 26,500। और यहाँ भी कितना लिखोगे आप, 26,500। और नेक्स्ट क्या करोगे, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट किसके बीच में, पार्टनर के बीच में। यहां पर पार्टनर कौन है, बी और डब्ल्यू। रेशियो डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल ट्रीट कर लेंगे। और अमाउंट कितना बचा है हमारे पास, 26,500 तो था हमारे पास अमाउंट, इसमें से कितना जा चुका है, 2,500 जा चुका है, 2,500 जा चुका है। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 24,000। अगर हम बात करें 24,000 हाफ हाफ डिवाइड करें 1:1 रेशियो में, तो कितना आ जाएगा, ये 12,000 तो डब्ल्यू को मिल जाएंगे, और 12,000 किसको मिल जाएंगे, ये ब्लैक को, ब्लैक को भी 12,000 और व्हाइट को भी 12,000। अब क्या बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात करें कैपिटल में, एक एक्स की एक वाई की, ये किसकी हो जाएगी, एक्स की, एक्स नहीं है ये है ब्लैक और व्हाइट। तो ब्लैक और व्हाइट लेंगे, इस साइड भी क्या लेंगे, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ये ब्लैक आ जाएगा और ये व्हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, ब्रोट डाउन कौन सा, जो ओपनिंग बैलेंस था 30,000 और 20,000। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 30,000, और यहाँ कितना लिखेंगे, 20,000। उसके बाद क्या मिला आपको, उसके बाद आपको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना मिला, 1,500 और 1,000। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1,500 और 1,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को क्या मिला, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट मिला, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में कितना मिला, 12,000। यहाँ से मिले इसको 12,000, इससे मिले, और तो कुछ मिला ना आपसे, कुछ चार्ज किया ना आपने कोई ड्रॉइंग की। तो आप क्या करोगे, अब इस अमाउंट को टोटल करोगे, ठीक है ना, टोटल यहाँ भी करोगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका एक्स, अगर हम बात करें बी का, 3,000, 30,000 पहले था, और ये कितना है आपका, 2,700 बाद में है, तो कितना आ जाएगा ये, 32,700। और यहाँ कितना आ जाएगा ये, 20 और 22,200, कितना हो जाएगा ये, 22,200। और यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, कितना हो जाएगा ये, 32,700, और ये कितना आ जाएगा, 22,200। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।